दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल वोस्ट्रोक और i5 10 जनरेशन वाले लैपटॉप के बारे में। क्या आप एक बजट लैपटॉप लेना चाहते हो दोस्तों? यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेल वोस्ट्रोक और i5 10 जनरेशन वाले लैपटॉप के बारे में। हम यह जानेंगे क्या है एक बजट लैपटॉप में आता है या नहीं आता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक ऑफिस पर्पज के लिए काम करते हो तो उस कंडीशन में आपके लिए यह लैपटॉप कैसा रहेगा, और हम इसके डिटेल्स भी जानेंगे और इसके प्राइस भी जानेंगे कि कैसे प्राइस पे हमें यह लैपटॉप मिलता है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको यह लैपटॉप बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में इस लैपटॉप में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जो पहली चीज हमें देखने को मिलती है वह प्रोसेसर। तो आपको इस लैपटॉप में इंटेल कोर i5 10 जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस बजट सेगमेंट के हिसाब से जितने भी लैपटॉप आते हैं उनमें काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कराता है। अगर आप स्टडी पर्पज के लिए लैपटॉप लेते हो तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। वहीं जो अगली हम आते जाते हैं ना ग्राफिक कार्ड, तो आपको इसमें इंटेल UHD का ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा रहता है, और उसमें आप आसानी से कोडिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, स्टडी के वर्क भी आसानी से कर सकते हो। वहीं जो अगली हम आते जाती है रैम, तो आपको इस लैपटॉप में 8GB के रैम में DDR4 वाली और 2666 MHz वाली देखने को मिल जाती है। अगर आप इसे रैम को अपग्रेड कराना चाहते हो तो आप 10GB तक मैक्सिमम अपग्रेड करा सकते हो। वहीं अगली जो हमारी जाती है तो वह है स्टोरेज। तो आपको इस लैपटॉप में 1TB की HDD वाली 5400 RPM वाली हार्डवेयर देखने को मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी रहती है, और इसमें आपको 256GB की SSD देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो अपना लैपटॉप है ये शट डाउन और ऑन होने में ज़्यादा समय नहीं लगाता, 3 सेकंड में ऑन हो जाता है और 3 सेकंड में शट डाउन हो जाता है। जो अगली जो हमारी जाती है डिस्प्ले, तो हम डिस्प्ले की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 14 इंच की फुल रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, और जो इस बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छी डिस्प्ले रहती है, और इस डिस्प्ले में आपको एंटी ग्लेयर भी देखने को मिलता है। बट गाइस, अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप बाय करना है या आपको एक अच्छा ब्रांड बाय करना है तो आप डेल वोस्ट्रोक की तरफ जा सकते हो। जो अगली जो हमारी जाती है हमारी पोर्ट एंड स्लॉट, तो आपको इस लैपटॉप में 3.0 के 2 USB स्लॉट देखने को मिलेंगे, 2.0 का 1 स्लॉट देखने को मिलेगा, 1 HDMI का स्लॉट देखने को मिलेगा, और 3 in-1 कैलेंडर के लिए 1 स्लॉट देखने को मिलेगा। जो अगली जो हमारी जाती है हमारी आती है सिक्योरिटी। तो आपको इस लैपटॉप में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो कि इस बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहता है, और यह एक लैपटॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कोई आपका पासवर्ड तो कहीं से पता कर सकता है, लेकिन ये कहाँ से लाएगा। जो अगली जो हमारी जाती है हमें कीबोर्ड, तो आपको इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड नहीं देखने को मिलेगा। इसमें ये लैपटॉप में थोड़ी कमी है, बट आप इस प्राइस के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। जो अगली जो हमारी जाती है हमें वेबकैम, तो आपको इस लैपटॉप में HD वेबकैम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा होता है। जो अगली जो हमारी जाती है हमें वेट, तो आपको इस लैपटॉप में 1.7 kg का वेट देखने को मिलता है जो कि लाइट वेट होता है, और यह लैपटॉप बहुत ही स्लिम होता है। जो अगली जो हमारी जाती है वह है चार्जर, तो आपको इस लैपटॉप में 6.5 W का चार्जर देखने को मिलता है जो कि बैटरी को बहुत जल्दी चार्ज करता है। जो अगली जो हमारी जाती है वह बैटरी, तो आपको इस लैपटॉप में 3 सेल वाली 42 W वाली बैटरी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है, और आपको जो बैटरी का बैकअप देखने को मिलता है वो 5-6 घंटे का देखने को मिलता है, और यह लैपटॉप बैटरी को कंज्यूम करता है और इसके बैटरी बैकअप बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइस मेरा ओपिनियन यही है, अगर आप एक ऑफिस यूजर हो या आप एक स्टूडेंट हो तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। वहीं ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको वेव्स मैक्स प्रो ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलती है जो कि जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी होती है। तो गाइस अब मैं आपको इस लैपटॉप के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले इस लैपटॉप में आपको मोबाइल कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इस लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि एक लैपटॉप में होना बहुत ही जरूरी है। जो अगली जो हमारी जाती है मैं बताता हूँ कि यह लैपटॉप मैं किस किस को रिकमेंडेड करता हूँ और किस किस कैटेगरी के लिए यह लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप एक स्टडी पर्पज के लिए लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो या ऑफिस के लिए लैपटॉप परचेज करना चाहते हो तो भी आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। इन्हीं यूजर के लिए यह लैपटॉप बेस्ट रहेगा, अदर यूजर इस लैपटॉप की तरफ नहीं जाए तो ही अच्छा है।
अगला जो इस लैपटॉप प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप का जो प्राइस आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा 48,099 रुपीज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है। अगर मेरे किसी भाई को लैपटॉप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।